हेलो स्टूडेंट्स, आईएससी ने इस बार आईएटी को भी अपने बीएस प्रोग्राम के एडमिशन क्राइटेरिया में डाला है। आज मैं आपको उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल्स देने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो है 60 क्वेश्चंस, जिसमें 15 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ईच के होते हैं और हर क्वेश्चन का टोटल मार्क्स 3 होता है। ये सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कंपलसरी होते हैं, यानी आपको चारों सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। पिछले साल तक जनरली इसका कट ऑफ आईजर पुणे के लिए 110-120 के अराउंड रहता था, लेकिन क्योंकि इस बार आईएससी में भी इसके थ्रू एडमिशन होने वाला है तो आप आईएससी का कट ऑफ 150 के अराउंड रख सकते हैं। इस बार क्योंकि इस एग्ज़ाम को ज़्यादा स्टूडेंट्स भी देने वाले हैं और आईएससी के एडमिशन के नाम पर ही काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को देंगे, तो इस बार आप इसका लेवल भी थोड़ा बढ़ते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो बायोलॉजी लास्ट ईयर तक काफ़ी फैक्चुअल आती थी, यानी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपको उठाकर दे दिया जाता था। उसकी प्रिपरेशन के लिए आप नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार आईएससी का भी एडमिशन होने वाला है इसके थ्रू, तो आप थोड़ा सा पैटर्न को केवीपीवाई के सिमिलर होते देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईएटी के पास्ट ईयर पेपर्स, नीट के पास्ट ईयर पेपर्स और इसके साथ ही केवीपीवाई एसए और एसएक्स के पास्ट ईयर पेपर्स भी देख लें, क्योंकि हो सकता है उनसे भी कुछ क्वेश्चंस यहां आ जाए। नेक्स्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स भी काफ़ी इजी रहती थी, जेई मेंस लेवल के ज़्यादातर क्वेश्चन रहते थे, 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते थे, लेकिन ये भी पिछली बार की तरह इस साल बदल सकता है क्योंकि इस बार आईसी के अंदर एडमिशन होने वाला है इसके थ्रू, तो आप केवीपीवाई के क्वेश्चंस यहां भी सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेन से कम ही लेवल के होते हैं, ऑलमोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस ही बन जाते थे। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स जैसे चैप्टर्स जो हैं वहाँ पर आपको थोड़ी रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसे एक बार अच्छे से आप देख लें। इसके साथ ही केवीपीवाई जैसा मैंने आपको बताया, इसके और एनएसईसी जो केमिस्ट्री ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते थे वो भी आप एक बार देख सकते हैं। मैंने इस पर एक क्रैश कोर्स डाला था, आप उसे एक बार जाकर देख लेंगे तो आपकी ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एनसीईआरटी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पीआरएमओ लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। मैथ्स ओलंपियाड में जैसे क्वेश्चंस आते थे, हो सकता है वैसे कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले। नेक्स्ट है कि आपको टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए इस एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं कहूँगा आपके जो पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप 40 प्लस का स्कोर लेकर चलें तो बेहतर होगा, और फोर्थ सब्जेक्ट जो भी है आपका उसमें आप 20 से ऊपर अगर ले आते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ये पहली बार आईसी के एडमिशन के लिए कंसिडर हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ रैंक 50-60 जा सकती है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें। मैं इस पर और भी वीडियोस लाने वाला हूँ फ्यूचर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।